हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे टिप्स चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पर मेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके जो है फिजिक्स के यानी कि भौतिकी के जो है कार्य ऊर्जा और शक्ति जो चैप्टर है उससे जो है कुछ क्वेश्चंस को करने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, और ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में हम जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स को भी देखेंगे इसके रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त रूप से पतनशील पिंड की कुल ऊर्जा जो है वह क्या होती है? बढ़ती जाती है, घटती जाती है, कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है। तो जो मुक्त रूप से पतनशील पिंड यानी कि कोई वस्तु होती है उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वह क्या होती है? वह जो आपका अपरिवर्तित रहती है यानी कि ना बढ़ती है और ना ही घटती है। तो यहाँ पर हमारा वन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू है, जूल मात्रक है किसका? यानी कि पूछा जा रहा है जूल जो है किसका मात्रक होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का, या फिर बल का। तो आपका जो जूल होता है वह किसका मात्रक होता है? तो वह होता है कार्य का ऐसा मात्रक भी जूल होता है, और ऊर्जा का भी जो ऐसा मात्रक होता है वह क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा टू का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री, बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को किस पॉइंट पर ध्यान देना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो कार्य है यहाँ पर पूछा जा रहा है वह क्या है, कार्य कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है, ना तो सदिश है ना अदिश है, फिर केवल संख्या है। तो यहाँ पर हमारा कार्य क्या हो जाता है? तो बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि होते हैं, लेकिन जो आपका कार्य होता है वह क्या हो जाता है? वह एक अदिश राशि हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। यहाँ पर हमारा थ्री का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो क्या होता है? जब किसी पिंड को यानी कि वस्तु को जो है पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो क्या होता है? उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती है। ओके, तो फोर का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, यानी कि जो चलती गाड़ी में कोई आदमी बैठा है तो उस आदमी में कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज दोनों, या फिर शून्य। तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा। यहाँ पर फाइव का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तब पतन की अवधि में उसकी ऊर्जा का रूपांतर हो रहा है किस रूप में? यानी कि जब किसी वस्तु को हम किसी ऊंचाई से जो है नीचे की ओर गिराते हैं तो जो उस अवधि में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? गतिज से स्थितिज ऊर्जा में, या स्थितिज से गतिज ऊर्जा में, या फिर गतिज से ऊष्मा ऊर्जा में, स्थितिज से ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ पर सिक्स का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को हम ऊपर से जो नीचे गिराते हैं तो उसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह क्या होता है कि वह जो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सिक्स का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, द्रव्यमान एम का एक पिंड जो जमीन से एच ऊंचाई पर है और वी वेग से चल रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यानी कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है वह एम है और उस वस्तु की जो है जमीन से ऊंचाई कितनी है एच है और वह जो है वी वेग से चल रहा है तो उसकी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पूछी जा रही है कि क्या हो जाएगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी उसकी एम जी एच। ओके, क्या हो जाएगी यहाँ पर? उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी एम जी एच। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सेवन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा क्या होती है? यानी कि जो कमानीदार घड़ी होती है उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, ऊर्जा संचित होती है, वह कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, फिर परमाणु ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारा एट का ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह कितनी गुना हो जाएगी? यानी कि किसी वस्तु के अगर हम संवेग को तीन गुना करेंगे, 3x करेंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो कितनी होगी? दोगुनी होगी, चौगुनी होगी, नौगुनी होगी, या फिर त्रिगुनी होगी। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह नौगुनी हो जाएगी। हमारा नाइन का ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कोई घोड़ा 20 न्यूटन के बल के द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक तो खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यानी कि हमारे यहाँ पर जो कार्य पूछा जा रहा है, और कार्य इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू आपके क्या हो जाता है, बल हो जाता है, बल यानी फोर्स यानी एफ गुना हो जाता है आप लोग का विस्थापन, जिसे एस से सूचित करते हैं। ठीक है, तो घोड़े द्वारा क्या 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 होगा, तो बल हमारे कितना है 20 न्यूटन है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो विस्थापन कितना है, तो 5 मीटर तक खींचता है, तो यहाँ पर हमारा कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर 20 × 5 जूल। ओके, यहाँ पर जो इसी तरह से दिया हुआ ऑप्शन, तो हमारा 10 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, एक आदमी 5 केजी का एक सूटकेस पकड़े खड़ा है तो किया गया कार्य जो है वह क्या है। यानी कि एक आदमी जो 5 केजी का एक सूटकेस पकड़कर खड़ा है, तो यहाँ पर कार्य कितना हुआ, 5 जूल 49 जूल, यहाँ पर जो है 0 शून्य जूल या फिर 10 जूल, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू हम लोग करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उसी तरह जो किया गया कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9.8 × हो जाएगा यहाँ पर 5 × हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोई व्यक्ति जो है वो क्या 5 केजी का सूटकेस पकड़े खड़ा है, तो जमीन के साथ उसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और कॉस 90 का हमारा क्या मान हो जाता है, वो हो जाता है 0, तो इज इक्वल टू यहाँ पर सारा जो मल्टीप्लाई 0 होता है तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है 0, तो यहाँ पर हमारा जो 0 जूल जो है 11 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 20 ग्राम की कोई गोली 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बंदूक से छूटती है, तो गोली की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वह क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारा 1/2 mv². ओके, ये हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, इसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और m का मान हमारा कितना है, तो वह जो 20 ग्राम है, तो यहाँ पर हमारा 20 बटा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर जो सॉरी डिवाइड कर देंगे 1000 से। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारा अगर वेग की बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 100, तो यहाँ पर हम जो अब काटेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर सारा का सारा जो कट गया, और क्या बचा 1 जूल ऑनली ऑन बचा, तो यहाँ पर हमारा 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम आप लोग को सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, एम तथा 2m द्रव्यमानों के 2 पिंड समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनकी गतिज ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा का अनुपात काइनेटिक एनर्जी का अनुपात हम लोग करें तो क्या करेंगे, मान लिया कि एक है k1 और एक है k2, इनका अनुपात के लिए हम लोग इसे जो बटा में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम इसके जो है मान के लिख देंगे 1/2 mv² बटा में लिख देंगे, यहाँ पर भी जो है 1/2 mv². ओके, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो m और 2m है यानी कि m यानी हुआ यहाँ पर जो है इसके आगे एक है, तो एक बटा में हुआ 2m यानी 2, यानी कि इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पर हमारा 0.5। ओके, क्या आ गया 0.5 आ गया, हाफ को हम लोग 0.5 भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 13 का जो है बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम जो है कार्य ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इसे भी हम लोग यहाँ पर आप लोग को बता दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। यहाँ पे कार्य की परिभाषा दी गई है, और किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक एक ही होता है यानी कि जूल ही होता है। ओके, और किसी वस्तु की उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है कैपेसिटी टू डू वर्क होती है उससे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु की जो स्थिति ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसे जो है p.E से सूचित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ इसे आप लोग जो है जरूर याद कर ले, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे हमारा दिया हुआ है किसी कर्ता यानी कि एजेंट द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को उस कर्ता की शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, अर्थात शक्ति जो कार्य करने की समय दर है।
नेक्स्ट यहाँ पर एसआई मात्रक की बात की, वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है और एक वाट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक जूल पर सेकेंड हो जाता है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है बात की गई है कि वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है, तो हमने देख लिया, और शक्ति के अन्य मात्रक है किलोवाट, और असव शक्ति यानी कि हावर हॉर्स पावर है एचपी से कहते हैं, और एक किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, यानी कि एक केजी में आप लोग जानते हैं 1000 ग्राम होता है, इसी प्रकार एक किलोवाट हो गया, और एक एचपी हॉर्स पावर में होता है 746 वाट, ठीक है। और एक यहाँ पर जो है किलोवाट की तरह 1000 वाट है, वैसे एक मेगावाट होता है, जीगावाट होता है, टेरावाट होता है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इसे भी हमने वीडियो को लास्ट में देख लिया है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।